देखो मैं कम दिखाते हो तो बात अपने रेट हम तो नहीं, जैसा आप आपने मोबाइल में खींच लिया बोल दिया जैसे सही देते हैं, जैसे बोलते हैं ना उस रेट में तो देते नहीं, उसमें कम रेट में कम देते हैं। जैसे देखो अब हज़ार की चीज़ है तो हज़ार नहीं बोलेंगे, 1500 बोलेंगे, तो 500 का 1000 में देते हैं, ठीक है ना। ऐसे है अब हज़ार की चीज़ 800-700 में दे दिया, ऐसे है 2000 की चीज़ 1500 में दे दिए, ऐसे है अब 3000 की चीज़ 2500 की 2000 की ऐसे मिल जाती है। जैसे इससे आप लोग को नुकसान होता है? नुकसान भी होता है मैम, घाटा बहुत होता है, क्या करना, जब फिर देना पड़ा जब क्या करना बच्चे के लिए। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे लोकल सेलर से पहले बात करने, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं और उन सारे वीडियोस में सबने मार्केट के बारे में बहुत सारी बातें करी हैं। बट मुझे लगता है कि अगर आप किसी ओपन मार्केट में आते हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप यहाँ पे इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग करो कि यहाँ के लोगों को नुकसान हो। आप लोकल मार्केट आपके लिए इसलिए होती है कि आप सारी चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में लो, बट एटलीस्ट उतना रीज़नेबल करो, उतनी बार्गेनिंग करो ताकि किसी और को उससे प्रॉब्लम ना हो। तो अभी मैं बात करती हूँ यहाँ पे लोकल सेलर से, आप अपना नाम बता दो। मेरा नाम चीनी है। चीनी, तो चीनी जी आप लोगों को लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम हुई थी? बहुत परेशान था, बहुत परेशान हुए मैडम हम तो यहाँ लॉकडाउन में। हमारी झूठी खबर दे दी कि 500 का पेड़ मिलता है, 1000 रुपए का बड़ा फूल मिलता है, सस्ता मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लॉकडाउन की वजह से हम तो बहुत गरीब आदमी हैं मैडम, हमारा खाने पीना का भी गुजारा कैसे हो रहा है यहाँ पे। कर्जा ले लेकर किसी पे जब तो हम अपना पेट भरते हैं। यहाँ पे ना मैंने देखा है कि काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, वीडियोस बनाते हैं कि ये सामान इतने का मिलता है, इतने का मिलता है। मुझे लगता है इससे आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं? बहुत प्रॉब्लम होती है मैडम हमें, क्योंकि ये झूठी मूठी हमारी वीडियो कर देते हैं कि बहुत सस्ता मिलता है, झूठ बोल रहे हो, ये चीज़ इतने की है लेकिन उतने की आती नहीं है। हाँ, ये जो फ़ोन पर डाल देते हैं, कैसे डाल देते हैं, सब झूठ है वो। जैसे कि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी है, उसमें जैसे किसी 1000 रुपीज़ की चीज़ को वो लोग 700-800 रुपये में बताते हैं या 500-400 रुपये में भी कर देते हैं। तो क्या लोग जब वो प्रोडक्ट लेने आपके पास वो सामान लेने आते हैं तो क्या वो उसी रेट पे ढूंढते हैं जो उन्होंने वीडियोस में देखी है? हम उस रेट में नहीं देते हैं, वो फिर ऐसे कहते हैं आपने वीडियो पर इतना सस्ता डाल रखा है। हम के कैसे नहीं दे रहे हो आप सस्ते हैं, उन्हें बोल हम वीडियो पर डालते ही नहीं है क्योंकि आपने हमारी वीडियो देखी नहीं होगी, कहीं पर हम वीडियो करते ही नहीं है। कैसे कैसे आदमी आते हैं यहाँ पर वो वीडियो कर देते हैं हमारे झूठी मूठे। आप लोग जो ये सब सामान लाते हो, ये सामान आप लोग कहाँ से लाते हो? हम जी ये सामान बहुत दूर से लाते हैं, हमारा देश है ना चित्तौड़गढ़, जो जोधपुर जयपुर वहाँ से लाते हैं। तो आप जब ये सामान वहाँ से लाते हो गए तो आप लोगों को उसका भी तो काफ़ी सारा पैसा लगता होगा ना, मतलब सामान लाने में? बहुत पैसे लगते हैं मैडम, बहुत। हमारा वहाँ पर गाड़ी भी वहाँ पर कर लेते हैं पुलिस वाले, बंद कर लेते हैं, 20-20 हज़ार रुपये देते हैं हम और खुद भरते हैं, इतनी मेहनत करते हैं ना, हमारा इसमें कुछ बचत नहीं है। अगर हमको बचत होती तो हम इतनी देर प्लॉट लेकर घर नहीं बना लेते अपना, हमारा बस गुजारा होता है, हमारे बच्चों का पेट भरता और कुछ नहीं होता। दीदी जैसे हमारा ये मटेरियल सामान के बारे में पूछ रहे हो या आप सामान रवा पूछ रहे हैं? सही कह रहे, हमारी हमारी सच बात बताए तो मैडम हमारा इसमें पेट भरा है, गुजारा होता है और कुछ नहीं है। तो फिर जल्दी नहीं बचता है अभी तो मैं चाहती हूँ कि आप बताओ, जो लोग यहाँ पे सामान लेने आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जब वो यहाँ पे आते हैं तो अगर वो सामने से बार्गेनिंग करे तो वो ज़्यादा बेटर है, नज़र कि आप वीडियो देखकर आओ यहाँ पे और एक किसी भी सामान को देखकर आप ये सोच लो कि मुझे ये चीज़ यहाँ पे 200-400 में मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। हमने बोल देते बोलते हैं, हम नहीं करते, वो अपने आप ही करते हैं, हम नहीं करते हैं।
क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पे इन लोगों के रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। यहाँ पे इन्होंने ओपन में ये मार्केट एरिया रखा हुआ है, बच्चों के लिए स्कूल है वो रोड के पास है, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, और ये लोग यहाँ पे इतनी मेहनत करते हैं और आप वीडियो देखकर आते हो 200-400 में चीज़ें खोलते हो। आप ऐसा मत करो, मैं ये नहीं कहती कि आप बार्गेनिंग मत करो, बट उतनी करो जितनी रेलेवेंट हो, ताकि इनको भी प्रॉब्लम्स ना हो और आपको भी वो चीज़ अच्छे प्राइस में अवेलेबल हो जाए। हाँ ऐसे होता है, ऐसे आप सही कह रहे हो, हमें कुछ नहीं बचता है, अगर हमें बचता ना, हमारी लड़कियाँ, हम जवान हमारी बेटियाँ सारी जंगल में जाती है लेटरिंग होने। अगर हम कमाते तो अच्छा शौचालय बनवाते, अच्छा सा घर बनवाते, उसमें हमारे बच्चे को रखते, इतनी कमाई होती तो हम बना लेते, इतना कुछ है ही नहीं इसमें गुजारा हमारा, इस वजह से हमारा बच्चों का पेट भर जाता है, ये गुजारा है हमारा। तो मैं स्नैप स्टोरी से अंकिता, मैं आप सब से इस वीडियो में यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब भी यहाँ से कोई सामान खरीदने आओ, आप प्लीज़ उतना ही नेगोशिएट करो जितना इम्पोर्टेंट हो। कि आपने देखा यहाँ पे इस मार्केट में जो लोग रहते हैं, जो सेलर्स हैं, उनकी कितनी सारी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, हम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। और हम सिर्फ इसलिए मार्केट को कंसिडर करते हैं क्योंकि शायद हमें लगता है कि यहाँ पे वो चीज़ें हमें बहुत सस्ती हो जाएंगी। जो चीज़ें ऑनलाइन आपको 2000 रुपये में मिल रही हैं, वो आप वीडियोज़ देखते हो और आपको लगता है कि वो मैं 200-300 में लेके आ जाऊँगा। हम इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं है कि आप नेगोशिएट मत करो, बट हम एक स्टैप स्टोरी के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि आप उतना ही नेगोशिएट करो ताकि इनको भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ये इनका एक सर्वाइवल का ऑप्शन है। आप यहाँ पे जब भी कोई सामान लेने आते हो, आप प्लीज़ यहाँ पे ऐसे आओ कि आपको किसी की हेल्प भी करनी है। हम वो चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये लोग डेली चीज़ों के लिए भी कैसे कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि शायद हम वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हम ऐसी फैमिलीज़ में रहते हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ के साथ रहते हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में पता भी नहीं है। मैं आज ये वीडियो बनाने आई थी मार्केट के लिए कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस में मिलते हैं, बट जब हमने यहाँ पे सेलर से बात करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये बंजारा मार्केट केवल मार्केट के तौर पे मत देखो, इसको एक इस तरह से देखो कि आप यहाँ पे जब भी कोई सामान खरीदो सही प्राइस पे खरीदो, ताकि किसी की हेल्प भी हो सके।